छोटे थे तब सारे भाई बहन एक साथ मिलके रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया करते थे। मैं इकलौता हूँ, आई एम द ओनली सन इन द हाउस। आई थिंक मैं तो हमेशा अपने सिस्टर्स को कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स देता था। सबसे ज़्यादा स्पेशल वही होता है कि एक दूसरे के लिए टाइम निकाल, पर टाइम तो किसी वैसे भी आजकल है नहीं, तो आप एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ही देते, भगवान का दिया सब कुछ। मेरा सिर्फ ये लक्ष्य था कि 10th और 12th में अच्छे मार्क्स लाऊं ताकि आगे कॉलेज में अच्छी एडमिशन। गाइस जाओ अपने भाई बहन से मिलो, अगर मिल नहीं सकते तो बात करो। हाई गाइस, दिस इज किंशुक वैद्य और हम फर्स्ट इंडिया टेली के साथ कर रहे हैं रक्षाबंधन सेगमेंट। आप रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट करते हो या फिर क्या स्पेशल होता है आपके लिए? छोटे थे तब सारे भाई बहन एक साथ मिलके रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया करते थे, बट अब सब अलग अलग जगहों में, कुछ बहनें यूएस में है, अब वहाँ काम कर रही है, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, तो सब अलग अलग स्कैटर्ड है, तो आजकल तो आई थिंक सिर्फ विश करके हो जाता है एंड यहाँ से बस वो फीलिंग होती है एक दूसरे के लिए। ओके, आप कितने सिबलिंग्स हैं, कैसे माहौल बनता है इस फेस्टिवल? मैं इकलौता हूँ, आई एम द ओनली सन इन द हाउस, सो हाँ सिर्फ मैं इकलौता बच्चा हूँ घर में। ओके, आप ये आप मतलब अब तक का आपका बेस्ट रक्षाबंधन गिफ्ट क्या मिला है या फिर आप क्या कुछ दिए हो? आई थिंक मैं तो हमेशा अपने सिस्टर्स को कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स देता था, बहुत खुश हो जाती थी वो, एंड वो मुझे गाड़ियाँ वाड़ियाँ कुछ देती थी तभी, हॉट व्हील्स या ऐसे कुछ, जी आई जूस देते थे, तो आई थिंक हाँ वो बहुत पसंद थे मुझे। तो अभी तक का कोई बेस्ट ऐसा गिफ्ट जो आपने रखा हो रक्षाबंधन का? अभी तो है, सारे जी आई जूस आज तक है मेरे पास। सिबलिंग्स के साथ की बेस्ट मेमोरी कुछ शेयर करना चाहे आप? बहुत सारी है, मतलब पहले के टाइम पे अगर आपको पता तो फैमिलीज ऐसे सारे जॉइंट फैमिली, मतलब कजन्स ट्रिप्स पर जाया करते, तो आई थिंक यही मतलब बेस्ट मेमोरीज है, जब जाते थे हम सब बाहर और एंजॉय करते थे, पूल वूल में मस्ती करते थे। आजकल तो सब लाइफ में बिजी है। आपका सपोर्ट, ये सपोर्ट सिस्टम कौन है? माय फैमिली, लाइक माय पेरेंट्स। भाई बहन के रिश्ते को किस तरीके से आप डिस्क्राइब करना चाहोगे? बिल्कुल वैसी है जैसे माँ बाप के साथ होता है, मतलब लेकिन वो एफर्टलेस होता है, अनकंडीशनल होता है, और कुछ भी हो जाए अपने तो अपने होते हैं। ओके, सिबलिंग्स आपके बेस्ट क्रिटिक्स होते हैं, कभी तारीफ नहीं करते, कभी ऐसा एक्सपीरियंस कोई हुआ है? नहीं ऐसे नहीं रहा, बट बहुत जेन्युइन फीडबैक देते हैं, नकली तारीफ नहीं करते, अगर अच्छी चीज़ होती तो अच्छा कहते, अगर उन्हें कुछ खटकती है कुछ चीज़ें या उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ बेटर हो सकता था तो वो जेन्युइन फीडबैक देते हैं। कितना मैटर रखता है ये सब? सी तारीफ तो मैटर नहीं करती, अगर अच्छा काम किया तारीफ करे अच्छी बात है, बट अगर कहीं पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है, कि अगर कुछ अलग पर्सपेक्टिव कोई अगर मुझे दे पा रहा है किसी चीज़ को लेकर, तो आगे जाके लाइफ में अगर वैसी कोई सिचुएशन आए, वैसी अपॉर्चुनिटी आए, तो वहाँ मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ उसे। ओके, आपने अपने भाई या बहन के लिए मतलब कुछ ऐसा स्पेशल किया हो या फिर आपके लिए कुछ ऐसा किया हो जो आपको अभी तक याद हो, क्या कुछ बताना चाहेंगे? हर चीज़ ही स्पेशल होती है यार, आई थिंक सबसे ज़्यादा स्पेशल वही होता है कि एक दूसरे के लिए टाइम निकाल लो। अब जो मेरा क्लोजेस्ट कज़न ब्रदर है, मासी का बेटा, वो तो यूएस में अभी है, मतलब ही इज़ वर्किंग देयर, सो हाँ, बट ही हैड कम डाउन टू इंडिया टू जस्ट मीट अस ऑल, लेकिन थोड़ा टाइम मिला था कोविड के बाद, तो बहुत टाइम बाद वो वहाँ अकेला है, तो वो हम सबसे मिलने यहाँ आया, आई थिंक दैट्स समथिंग बिग। ओके, दोस्त या सिबलिंग्स में से कुछ एक सेलेक्ट करना हो अब तक की आपकी लाइफ की सिचुएशन से जिसने आपको सपोर्ट किया हो तो आप कैसे चुनोगे? आई थिंक दोनों ही, दोस्त भी हमेशा साथ रहे, सिबलिंग्स भी हमेशा साथ रहे, चुन नहीं सकता मैं। ओके, एक्सपेंसिव राखी और गिफ्ट्स और क्वालिटी टाइम विद सिबलिंग्स, क्या चुनोगे? यार टाइम तो किसी वैसे भी आजकल है नहीं, तो आप एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ही दे दो, मतलब ही मटेरियलिस्टिक। कभी कुछ खास अपने हाथों से मिठाई बनाई? हाँ, मतलब रक्षाबंधन के लिए नहीं, कभी नहीं, बट नॉर्मली बनाई है, सूजी का हलवा वगैरह सब, आटे का हलवा। रक्षाबंधन में सबसे ज़्यादा क्या कुछ खाना पसंद आता है या फिर कौन सी मिठाई आपको सबसे ज़्यादा मिलती है? यार आजकल तो मिठाई बंद है थोड़ा, एज एक्टर्स थोड़ा मिठाई अवॉइड करनी पड़ती है, डाइट नहीं बट मिठाई थोड़ी अवॉइड करनी पड़ती है, बट मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद है। ओके, भाई या बहन आपके लिए ये रिश्ता लाइफ में किस तरीके से आप मतलब मायने रखता है, भाई बहन का रिश्ता ये जो? मेरा कोई रियल ब्रदर या सिस्टर है नहीं, तो वो बॉन्ड मैंने
एक्सपीरियंस बहुत बार नहीं किया है, बट टू बी वेरी फ्रैंक यहाँ सेट पर जिस तरह से शहीर या अनुज भी था, चीरू भैया जो बने थे, वो जिस तरह से मेरे लिए केयर करते थे, एक्चुअली रियल ब्रदर जैसे मेरा ध्यान रखते थे। कहीं ऐसे ठेस वेस लग जाए तो पता नहीं, गिरने से पहले वो लोग आके पकड़ लेते थे एक्चुअली, जैसे हम शो में दिखाते सच में चीज़ें सेट पर होती थी, तो कहीं ना कहीं वो बॉन्ड मैंने यहाँ पर भी एक्सपीरियंस किया सेट पर। वाओ लवली, कोई खास गिफ्ट और जो डिमांड किया हो, आप चाहते हो आपके सिबलिंग उसे पूरा करें? नहीं, ऐसे कोई है नहीं, बोलते ना भगवान का दिया सब कुछ क्या, हाँ उदय भाई का डायलॉग। अच्छा, दोनों में से मॉम डैड का फेवरेट चाइल्ड कौन है, या फिर आप तो सिंगल हो, मतलब आप सिंगल हो तो अगर आपकी जो सिस्टर रहती है, कभी ऐसा कुछ हुआ है आपके मॉम डैड के साथ कि नहीं मैं इसे ज़्यादा मान? नहीं नहीं, फिलहाल मेरा छोटा भाई तो मेरा डॉगी है जैको जो है, तो वो अभी फिलहाल सबका फेवरेट है, मतलब पूरे मेरे फैमिली में, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली में भी सबका फेवरेट जैको है। घर में आती पहले जैको को हाई किया जाता है, फिर हम में से किसी को भी। कौन ज़्यादा ट्रबल करता है क्या बताना चाहिए? शैतानी तो फिलहाल वो ही करता है, जैको ज़्यादा छोटा है तो, और सबको अच्छा भी लगता है, उसकी शैतानी में ही मज़ा है। ओके, ये ट्रिकी सिचुएशन, मतलब ये ट्रिकी सिचुएशन में फंसे हो और मॉम या डैड से किसी एक से राय लेनी हो तो किससे आप लोगे? ट्रिकी सिचुएशन है जिसमें डिपेंड करता है, बट दोनों से ही ले सकता हूँ इक्वली, मतलब ये है। ओके, पढ़ाई में कौन स्मार्ट मतलब होता है, जिस तरीके से आपके सिबलिंग्स है कुछ ऐसा? नो, आपके सिबलिंग्स के साथ जिस तरीके से है पढ़ाई में, किस तरीके से दबाव रहता था या फिर आपको? नहीं, मैं सिर्फ मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, पढ़ाई में तो मैं अच्छा था, ठीक ठाक था एक पॉइंट तक, उसके बाद में मतलब मेरा तो पर्सपेक्टिव ये था कि यार हर साल तो आपको सिर्फ पास करना है, अगले क्लास में जाना है, इम्पॉर्टेंट तो लाइफ में 10th और 12th है, अब एग्रीगेट लिया जाता है ओवरऑल, बट तब क्या था 10th के मार्क्स देखे जाते थे, 12th के मार्क्स देखे जाते, तो मेरा सिर्फ ये लक्ष्य था कि 10th और 12th में अच्छे मार्क्स लाऊँ ताकि आगे कॉलेज में अच्छी एडमिशन मिले, बाकी सब में तो मतलब अबाउ 70 आते थे नॉर्मली भी, बट 10th और 12th में कोशिश की थी कि 85 के ऊपर आए भी थे। ओके, कभी ऐसा हुआ है कि सिबलिंग के कारण आपको मार पड़ी हो या फिर उनको उनके कारण डांट खानी पड़ी हो? नहीं नहीं, कभी नहीं। आपके कारण किसी को हुआ है ऐसा? नहीं, ऐसे कभी नहीं, जिसकी गलती होती थी उसी को मार पड़ती थी। ओके, भाई या बहन को कुछ लाइफ एडवाइस देनी हो या फिर मैसेज कन्वे करना आज के दिन को लेकर तो क्या कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं, बस काम करो, लाइफ में आगे बढ़ो और कभी भी जरूरत पड़े तो आई एम ऑलवेज देयर। इस साल का क्या कुछ प्लान है, किस तरीके से आप सेलिब्रेट करने वाले हो या फिर क्या कुछ गिफ्ट देने वाले? शूट ही कर रहे हैं बट हाँ, एक दूसरे से बात हो जाएगी, वीडियो कॉल पे बात होगी और सब ठीक है, अपनी अपनी जगह पे काम करते हुए, बस वेरी इंपॉर्टेंट। राखी को किस तरीके से आप देखते हो या फिर किस तरीके की राखी आपको पसंद है? ऐसी कोई ऐसी तरीका नहीं है, बट आई थिंक इट्स जस्ट अ सिंबल की वो एक रिश्ते की गांठ वाला एक सिंबल है राखी, तो हाँ। कितने देर तक आपके हाथों में रहती है ये राखी जब बांधी जाती है? हम ज़्यादा दिन रख नहीं सकते, इनफैक्ट अगले दिन ही निकालनी पड़ती है बिकॉज कंटिन्यूटी होती है वगैरह वो सब, बट घर पे आज भी ड्रॉअर में जितनी भी राखियाँ होती है वो आज भी है रखी हुई। ओके, लास्टली व्यूअर्स को क्या कुछ रक्षाबंधन पे विश करना चाहोगे? गाइस, जाओ अपने भाई बहन से मिलो, अगर मिल नहीं सकते तो बात करो, एक्सप्रेस योर लव टू देम एंड टेल देम दैट यू आर ऑलवेज देयर इफ दे एवर नीड देम, मतलब इफ यू गाइस एवर नीड ईच अदर यू आर ऑलवेज देयर फॉर देम एंड लव यू गाइस, टेक केयर।